हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एनसीईआरटी के लाइव सेशन में। मैं हूं आपके साथ शिवानी झा और आप सभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीएमए विद्या के चैनल नंबर 9 पर। इसके साथ ही दर्शकों, आज हम सभी आपके लिए लेकर के आ गए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट साइंस, और इसमें टॉपिक जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये है आज का टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और हर रोज़ की तरह इस टॉपिक को बताने के लिए, इलैबोरेट करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन मीडियम से जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर इस सत्र से जुड़ा हुआ, इस सेशन से जुड़ा हुआ जो भी आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, अगर आप में से किसी भी बच्चों को कोई सवाल या फिर डाउट क्वेरी आए मन में, तो आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं, जल्दी से जल्दी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो ईमेल करके भी अपनी क्वेरी या फिर डाउट हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in। तो ये सभी तमाम जानकारियां थी जो मैंने आपको बता दी। तो चलिए, बिना किसी देरी के अब हम सभी आपका जो है परिचय करा देते हैं आज के एक्सपर्ट से। हमारे साथ जो एक्सपर्ट आज जुड़े हुए हैं वो है मिस्टर सुधांशु शर्मा, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं सेंटर फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन IIT जोधपुर। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम मुझे अवसर देने का कि मैं बच्चों को जो है आज इस चैप्टर के बारे में बात कर सकूं। जी बिल्कुल सर जी। तो यहाँ पर जैसा कि अब हमने एक्सपर्ट से भी परिचय करा दिया है बच्चों आप सभी का, तो आप सभी जितने भी बच्चे हैं 9th क्लास के, आज जो टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास जो भी मैटर है क्या वो प्योर है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी सुधांशु सर कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और क्या ऐसे टॉपिक हैं जो आप इसमें इंक्लूड करने वाले हैं आज, वो बताइए। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसमें हम जानेंगे कि हमारे जो है डेली जीवन में कौन कौन से मिक्सचर्स हम यूज करते हैं, वो मिक्सचर्स किस टाइप के होते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं, हाँ, और उन कैटेगराइज का क्या क्या जो है हमारे डेली लाइफ में यूज है। तो एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे, प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है, मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है, ये सारी चीजें जो बारीक इसमें जो अंतर है उनके बारे में हम जानेंगे। तो अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज जो ये जो मैटर है हमारे आसपास उनमें ये टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जी मैम। ओके, तो सर यहाँ पर आपने अभी बात की कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो सवाल आपसे यही करना चाहूंगी कि सर, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो। देखिए मैम, दो तरह के नोशंस होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो प्योरिटी ये होती है जो नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं कि क्या चीज प्योर है क्या चीज इम्प्योर है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम दूध पीते हैं, दूध का केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा करते हैं दूध प्योर है या इम्प्योर है। जो दूध हमको मिल रहा है वो एडल्ट्रेटेड तो नहीं है, यानी कि नॉर्मल सेंस में जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो प्योरिटी मतलब हमारे लिए ये होता है कि वो एडल्ट्रेटेड नहीं है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो। जैसे कि हम लोग घर में जो है घी वगैरह यूज करते हैं या ऑयल यूज करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि ये प्योर घी है या ये प्योर दूध है। उससे कहने का अर्थ ये होता है हमारा डेली लाइफ में कि उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं। लेकिन वैज्ञानिक टर्म में, साइंटिफिक टर्म में, प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, हाँ, और मिक्सचर क्या होता है, ऐसे जो है मिक्सचर्स जिनमें कई प्रकार के, एक से ज्यादा प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। एग्जाम्पल, मिल्क इज कंसिडर्ड प्योर इन एवरीडे लाइफ, बट इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एटसेट्रा। जैसे अभी हमने दूध के बारे में चर्चा करी, तो दूध को हम मानते हैं ये प्योर है, हमारे लिए वो दूध प्योर है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, वो मिक्सचर है, किसका किसका है, वाटर का है, फैट्स का है, प्रोटीन्स का है, एटसेट्रा, ये चीजें। तो ऐसे हम पता कर पाते हैं कि हमारे लिए नॉर्मली प्योरिटी क्या है और साइंटिफिक टर्म्स में प्योरिटी क्या है। तो एक एक करके हम ये सारी चीजें जानेंगे कि क्या नोशंस हैं, क्या नुएंसेस हैं इन सब चीजों। तो सर, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम ही है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो मैटर हम यहाँ पर किन किन चीजों को बोलना चाह रहे हैं, मैटर हम किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोल करके। ओके, देखिए मैटर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कप है,
जी इस कप में पानी भरा हुआ, पानी बिल्कुल इज ऑल्सो अ मैटर, ठीक ओके है। यहाँ तक कि ये जो स्पून है हमारे पास, जी स्टील का स्पून जो है, ये भी किसी ना किसी मैटर से बना हुआ है, ठीक है। ये सॉल्ट है हमारे पास, सॉल्ट इज ऑल्सो अ मैटर, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस जो है कवर करती, वो सारी चीजें मैटर है। लेकिन उन जो है मैटर का आपस में कॉम्बिनेशन, वो अलग अलग चीजें बनाता है, जैसे मिक्सचर बनाता है। मिक्सचर में कैसा मिक्सचर, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, सल्यूशन है, कोलाइडल है, सस्पेंशन है, अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें जो है बनती हैं। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, और उन्हीं वेरिएशन को हम जानेंगे। तो उन वेरिएशन को जानने से पहले सबसे ज्यादा आवश्यकता ये है कि हम मिक्सचर्स के बारे में जानें, उन मैटर से जो मिक्सचर बनते हैं वो क्या होता है। तो मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस डेट आर नॉट केमिकली बॉन्डेड टूगेदर। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल, ये हमारे पास पानी और ये सॉल्ट, अगर इसका हम मिक्सचर बना दें, ठीक है, तो ये जो सॉल्ट इसमें पानी में घुलेगा, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा। ये केमिकली बॉन्ड नहीं होंगे, बल्कि ये जो सॉल्ट है पानी के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसमें जाके डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें फंस जाएगा। और ऐसे जो है अगर वापस से हमें यही सॉल्ट प्राप्त करना हो तो एवापोरेशन की टेक्निक लगाएंगे और सॉल्ट नीचे बच जाएगा हमारा, पानी सारा उड़ जाएगा। यानी कि ये मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में दो सब्सटेंसेस आपस में केमिकली बॉन्ड नहीं होते हैं कि उनको जो है तोड़ना पड़े, कुछ करना पड़े। वो फिजिकली एक दूसरे, फिजिकली जो है इंडिपेंडेंटली अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं के अंदर जो है जो कैविटीज होती हैं उसमें जो है अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि हमने बोला सॉल्ट वाटर, एयर है, एयर इज अ मिक्सचर, किसका मिक्सचर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सब्सिट्यूएंट जो है चीजें हैं एयर में, हाँ, साथ में वाटर वेपर है, तो एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर। तो ये ध्यान करने वाली बात नहीं, कोई भी जो है चीज जो एक से ज्यादा चीजों से बनी हुई है डेट इज अ मिक्सचर, ठीक है। जैसे एलॉय है, हमारे घर में बर्तन यूज होते हैं, ब्रॉन्ज के यूज होते हैं, स्टील के यूज होते हैं, हाँ, ये सारे एलॉयज हैं, एलॉयज आर ऑल्सो अ मिक्सचर। क्यों, क्योंकि वो एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन में मिलाए जाते हैं, मिलाने के बाद जो उनको हम यूज करते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सॉल्ट पानी में घुला हुआ है, सॉल्ट सॉल्ट ही रहेगा, सॉल्ट डज नॉट कन्वर्ट इन टू समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये ख्याल करने वाली बात है, मिक्सचर में भी जो भी चीजें हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट क्वालिटी को, अपनी स्टेट को जो है मेंटेन करके रखते हैं कि भैया हम सॉल्ट हैं तो हम सॉल्ट ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसी पानी में अगर चीनी मिला दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टुगरी वाटर हो जाएगी, या शरबत बोल लो उसको। यानी कि उसके अंदर जो चीनी है वो चीनी ही है, एक पानी पानी अलग है। क्यों, जी क्योंकि वो डिजोल्व हुई है उसमें, उसके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में गई, ना कि पानी और शुगर का जो है केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन अगर हो जाता तो वो कुछ और चीज बन जाती जो है, अदर चीज बन जाती। क्यों, तो ये जो है मैं ध्यान करने, बिल्कुल ध्यान करने वाली चीज है, मिक्सचर में क्या जो है अंतर है और कंपाउंड्स में क्या अंतर है, हम आगे चल के ये भी जानेंगे, ठीक है। जी सर तो अब मिक्सचर और क्या होता है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि हमने बताया। सपोज इसमें हमने पिक्टोरियल दिखाया हुआ, इसमें जो है मिट्टी है और साथ में पानी का गिलास, अगर इसको जो है ऐसे मिला दिया जाए तो अगर फिर भी लेकिन हमें सेपरेट करना हो तो थोड़ी देर बाद डिकेंटेशन से ये सेपरेट कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल के लिए इस पानी में हमने सॉल्ट डिजोल्व कर दिया, सॉरी मिट्टी डिजोल्व कर दी, तो मिट्टी क्या होगी, थोड़ी देर बाद इसमें जो है सेटल कर जाएगी, ऐसे नीचे सेटल कर जाएगी। और सेटल करने के बाद इस पानी को हम ऐसा दूसरा ग्लास लेंगे और इसमें ऐसा डालेंगे तो मिट्टी नीचे रह जाएगी और पानी इस कप में आ जाएगी, यानी कि ये सेपरेट आउट हो गया। देयर फोर वॉट डू वी मीन, कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल प्रोसेस। इसमें कोई हमें ऊर्जा नहीं लगानी पड़ी अलग से कि इसको हीट कर रहे हैं या कोई और केमिकल रिएक्शन लगा रहे हैं तब जाके जो है सेपरेट कर, सिंपली सेपरेट कर दिया हमने, या फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर दिया। जो फॉर एग्जाम्पल हम लोग चाय बनाते हैं घर पे, चाय की पत्ती जो है पानी में पड़ी होती है और वो डिजोल्व हो जाती है, डिजोल्व होने के बाद जो बची हुई चाय पत्ती उसको अगर हमें निकालना हो तो सीधे हमने छन्नी लगाई, सीव ट्यूब लगाई, उसको छाना और वो जो है मटेरियल हमारे पास अलग से बच जाता है। यानी दोस कैन बी सेपरेटेड एंड ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर रिटेन्स इट्स प्रॉपर्टीज। जैसा कि हमने बात किया कि मिक्सचर में अगर सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है तो सॉल्ट सॉल्ट ही रहेगा और पानी पानी रहेगा, अगर शरबत है तो शुगर शुगर रहेगी, पानी रहेगा, यानी कि अपनी प्रॉपर्टीज को जो है रिटेन करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है मिक्सचर्स की, ठीक है। एग्जाम्पल ये देखते हैं, जैसे ये कि यहाँ पर पिक्टोरियल है, ये सोडा वाटर है जिसमें क्या क्या फ्लेवरिंग एजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर है, स्वीटनर है, फ्लेवरिंग। नाउ सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर ऑफ फाइव डिफरेंट सब्सटेंसेस, बट
इट लुक्स एंड बिहेव लाइक अ सिंगल सब्सटेंस। मतलब कि जब हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो होता क्या, हमें लगता है कि ये एक सिंपल जो है एक चीज है कोई, जो कई चीजों से मिली है, शायद हो सकता है केमिकली बॉन्डेड, लेकिन वो केमिकली बॉन्डेड नहीं होती, वो अलग ही होती। फॉर एग्जाम्पल जब हम बॉटल खोलते हैं, तो बॉटल जैसे खोलते हैं तो एफरवेसेंस आता है। वो एफरवेसेंस क्या होता है, उसमें जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है एटमोस्फेरिक प्रेशर में और नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगती है एकदम, इसलिए उसमें एफरवेसेंस आती है। फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, उनको भी सेपरेट कर सकते हैं, पानी होता है उसको भी सेपरेट कर सकते हैं, स्वीटनर है वो सेपरेट कर सकते हैं फ्लेवरिंग, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसका भी हमें ख्याल करना है कि कभी कभी हमें लगेगा कि ये कोई सिंगल सब्सटेंस है, बट एक्चुअली वो होगा नहीं जो है सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। और क्या होता है, जैसे हमने बात करी, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इन देयर प्योर सब्सटेंसेस बाय टेक्निक्स इंक्लूडिंग डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। एक पिक्टोरियल में जैसे हमने मिट्टी को सेपरेट करने के लिए बताया कि डिकेंटेशन यूज कर सकते हैं या फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल्स हैं मिक्सचर्स के हमारे पास, जैसे हमने चर्चा करी एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, दिखेंगे हमें कि ये अलग चीज है, ब्रॉन्ज है, लेकिन उस ब्रॉन्ज में भी जो सब्सिक्वेंट पार्टिकल्स हैं, जो जिंक है, कॉपर है, वो अपनी इंडिविजुअल स्टेट को रिटेन करेंगे। मिले हुए हैं, होमोजीनियसली मिले हुए, लेकिन वो रिटेन करेंगे, वो केमिकली बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि जस्ट वो फिजिकली एक दूसरे से एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिले हुए हैं, ठीक है बच्चों। और अगला हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास एक ही टाइप्स के मिक्सचर्स होंगे, अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स हो सकते हैं। जैसे यू कैन सी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इन अ हेटरोजीनियस मिक्सचर एज नो डिजॉल्विंग अकर्स। जैसे मिट्टी जब हमने डिजोल्व करी थी पानी में, तो डेट इज अ हेटरोजीनियस मिक्सचर, मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और उसको आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और हेटरोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सस्पेंसेस, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स आर विजिबल। मतलब पानी में जैसे मिट्टी जो डिजोल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो अलग से दिख रही है मिट्टी, उसमें पानी आपको अलग दिखेगा, मिट्टी अलग दिखेगी, ठीक है। तो ये कैसे है हमारे पास, हेटरोजीनियस मिक्सचर्स हैं। एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, पानी में जब तेल मिला दो तो तेल अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, लेकिन ऐसा लगेगा ये मिले हुए भी। सैंड एंड वाटर, जिसका हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना, चॉकलेट चिप्स कुकीज, ये सब एग्जाम्पल है हमारे पास किसके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। साथ ही ऐसे हेट्रोजीनियस के अलावा और कौन से मिक्सचर्स होते हैं हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स कैसे होते हैं, यू कैन नॉट सी द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ मैटर बिकॉज डिजॉल्विंग अकर्स, मतलब उसमें यूनिफॉर्म डिजॉल्विंग है। जैसे कि दूध, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा सोडा वाटर का, लाइम वाटर है, उसमें बिल्कुल यूनिफॉर्म डिजॉल्विंग होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि ये मिक्सचर है कि ये पूरी जो पूरी अलग चीज है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्यूशंस, ठीक है। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इंडिविजुअली, मतलब अब क्या कैटेगराइजेशन आ गया, सोल्यूशन और उधर क्या था, सस्पेंशन, यानी दो टाइप के। सोल्यूशन कौन से होंगे, जिनमें होमोजीनियस मिक्सचर होगा, सस्पेंशन कौन से होंगे, जिनमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट कैटेगराइजेशन, इसको बिल्कुल ध्यान करने वाली बात। हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर के हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल है, सॉल्ट वाटर, क्लीन एयर, मिल्क है, ठीक है, ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर्स है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बात करी कि सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास, सॉल्यूशंस जो है हमारे होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अदर अनदर सब्सटेंस। जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट, और जो सब्सटेंस डिजॉल्व कर रहा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सॉल्ट वाटर बनाना, तो ये जो हमारे पास सॉल्ट है, घर का सॉल्ट है, ये क्या है, दिस इज अ सॉल्यूट, ठीक है, ये थोड़ी क्वांटिटी में हम डालेंगे, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ सॉल्वेंट, और इन दोनों का मिक्सचर जो बनेगा दैट इज अ सॉल्यूशन। इसको ख्याल करने वाली बात, बिल्कुल ध्यान करना है, ठीक है। सॉल्यूट को जो है हम थोड़ी सी मात्रा देंगे, थोड़ी सी मात्रा, मतलब अगर उतने पानी में हमें जो है ये डालना हो, तो हो सकता है एक चम्मच डालेंगे, दो चम्मच डालेंगे, ऐसा जो है फिर जो है डिसॉल्व करेंगे। हाँ, और ये क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या, ज्यादा क्वांटिटी में, इसके लिए सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर है, ठीक है। इन दोनों का जब मिक्सचर बन जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। नाउ द सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी, एंड व्हाट इज सॉल्यूट, द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, जिसको हम शरबत बोलते हैं कभी कभी, या सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्ट वाटर है, ठीक है बच्चों। और क्या है सॉल्यूशन के बारे में, और क्या जब उन्हें जानना जरूरी है, दे आर होमोजीनियस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, होमोजीनियस। उनका पार्टिकल साइज क्या होता है, छोटे पार्टिकल होते हैं, उसमें दिखते नहीं है, 0.01 से 1 नैनोमीटर तक, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल टेक्निक्स ऑफ फिल्ट्रेशन डिकेंटेशन, ऑल्सो दे डू नॉट स्कैटर लाइट।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना टू डिटरमाइन वेदर इट इज मिक्सचर इज सोल्यूशन, वेदर इट इज सस्पेंशन, वेदर इट इज कोलॉइड, जिसके बारे में हम जानेंगे। अब जैसे यहाँ पिक्टोरियल्स में हम देख रहे हैं कि हमारे पास आइस टी है। आइस टी कैसा सोल्यूशन? इट इज अ होमोजीनियस सोल्यूशन। हमारे पास रबिंग एल्कोहल है। रबिंग एल्कोहल कैसा? कि जो हमारे घर में जब यूज होते हैं, सॉरी घर में बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल में जो यूज करते हैं, जब सिरिंज वगैरह लगाते हैं या कुछ ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा रब करते हैं, वो ठंडा ठंडा लगता है, दैट इज अ रबिंग एल्कोहल। सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, इनको जो है सिंपली हम क्या करें, सिंपली इनको जो है सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि होमोजीनियस होते हैं, पार्टिकल छोटे होते हैं, ठीक है, इस वजह से वो प्रॉपरली जो है डिजॉल्व हो गए होते हैं, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में फंसे होते हैं, जिसकी वजह से इसको बिल्कुल भी सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक। तो सोल्यूशन के बारे में ये चार प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। व्हाट दे आर? होमोजीनियस, पार्टिकल साइज इनका 0.01 से 1 नैनोमीटर का होता है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, और सिर्फ सिंपली जो है छानने से भी, सीविंग से भी, ठीक है, एंड दे डू नॉट स्कैटर लाइट, ठीक है बच्चों। अब सोल्यूशन भी कई प्रकार के होते हैं। सोल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, कितना डाइल्यूट है या सेचुरेटेड है। जैसे एग्जांपल, ये जो हमारे पास पानी है, देखो इसमें थोड़ा सा हमने नमक डाला, जरा सा इतना एक चम्मच लिया और डाला, घोल दिया, ठीक है, तो डेट विल बी अ डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाला इसमें, हम इसमें 2-3 चम्मच डाल दें, ठीक, डेट विल बी अ बहुत जो है नमकीन लगेगा, पी नहीं पाएंगे आप, इतना नमकीन हो जाएगा, डेट इज अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। लेकिन इस इतने से पानी में एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ही डिजॉल्व हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप जो है बिल्कुल मिलाते चले जाएंगे। वो सिचुएशन जहां पर बिल्कुल और भी जो है सोल्यूट डिजॉल्व नहीं किया जा सकता इस सॉल्वेंट में, दैट इज अ सैचुरेटेड कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है ना। यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। सपोज हम रूम टेम्परेचर की बात करें, तो रूम टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इसमें डिजॉल्व किया जा सकता है, और उस कंडीशन में वो किसमें, सेचुरेशन में आ जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज सेचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। और हमारे पास जो है इसको डिनोट कैसे करेंगे, कंसेंट्रेशन, मान लो कितना कंसेंट्रेशन, कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो 2-3 प्रकार की जो है बातें यहाँ पर की गई, 3 प्रकार से कंसेंट्रेशन को जो हम मेजर कर सकते हैं। एक तो है मास बाई मास परसेंटेज, दूसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और फिर है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसके अलावा जब आप हायर क्लास में जाओगे, तो आप मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, ये भी कंसंट्रेशन मेजर करने के जो है एक यूनिट्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये 3 जो है इंपॉर्टेंट है, क्या, मास बाई मास परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब मास बाई मास परसेंट होता क्या है हमारा, उसमें क्या करेंगे हम कि जो सल्यूट का मास है, सपोज कि एक चम्मच जो है नमक का जो है हमने मेजर किया, पता किया कि हमने वो 2 ग्राम था, 2 ग्राम सॉल्ट हमने जो है 100 ग्राम पानी में मिला दिया। वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, 100 ग्राम पानी, सपोज कि इस पानी का जो है, इस पानी का जो वेट कितना है, 100 ग्राम, और 2 ग्राम हमने उसमें नमक डाल दिया, यानी कि मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट यानी 2 ग्राम, एंड मास ऑफ सल्यूशन, तो सल्यूशन का मास कितना होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि 2 प्लस 100, 102, यानी कि 2/102 × 100, दैट विल बी अ मास बाई मास परसेंट, ठीक है। और मास बाई वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा, ठीक है ना, मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम जो सॉल्ट लिया था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सपोज ये 100 ml पानी है, तो 100 ml हो जाएगा यहाँ पर, और 200, दैट इज अ मास बाई वॉल्यूम परसेंट। और सपोज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम करना, कोई ऐसा जो है हमारे पास लिक्विड है जिसको पानी में डिजोल्व करना है, सपोज सॉल्ट नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उस सॉल्यूट की जो है वॉल्यूम कितनी है, सपोज कि 10 ml है सॉल्यूट की जो है वॉल्यूम, और जो सॉल्वेंट था हमारे पास वो 100 ml था, दोनों को मिला दिया तो 110 ml हमारे पास सॉल्यूशन बन गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 10/110 × 100, दैट विल बी अ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम क्या सॉल्वेंट को ले लेते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर जो है हम गलती कर बैठे, और ऐसा गलती हमें करना नहीं है, बिल्कुल जो कॉन्शियस रहना है, हमें ध्यान रखना है कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन का मास क्या है, या सोल्यूशन वॉल्यूम की क्या है सोल्यूशन की, इसके बारे में बिल्कुल ख्याल करना है, ठीक है बच्चों। तो सर यहाँ पर हमारे पास जैसा कि थोड़ा ही समय बचा हुआ है, तो उसमें मैं आपसे एक और सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी टिंडल इफेक्ट के बारे में।
तो ज़रा आप हमें ये बताएं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है और साथ ही इसको हम किस टाइप ऑफ मिक्सचर में जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। एकदम एकदम मैम, जी अभी ये सस्पेंशन में और जैसे कोलाइड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो जी इसमें हम टिंडल इफेक्ट कवर कर लेंगे कि क्या जी होता है टिंडल इफेक्ट। और अब अगले टाइप की जो सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉरी मिक्सचर है, वो क्या है हमारे पास, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जी उसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो है डिसॉल्व तो होते हैं लेकिन सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। उस मीडियम में जो है बिल्कुल बल्क उसमें जो है रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आई, नेकेड आईज, मतलब अब सस्पेंशन जो मिट्टी की डाली थी हमने, वो तो हमको नेकेड आई से दिख रही है। एंड सस्पेंशन टेंड टू सेटल ओवर टाइम, अगर मिट्टी थोड़े देर तक पानी में पड़ी रहे तो वो सेटल डाउन हो जाएगी, मीनिंग द सॉलिड पार्टिकल विल इवेंचुअली फॉल आउट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और सस्पेंशन कैसे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हेट्रोजीनियस होते हैं। पार्टिकल साइज क्या होता है, ओवर 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर साइज होता है। पार्टिकल आर लार्ज इनफ टू सेटल, मतलब इतने बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं कि वो सेटल डाउन कर रहे हैं नीचे, एंड कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। ये देख रहे हैं हम पिक्टोरियल्स में, क्या देख रहे हैं, मडी वाटर है, खिमची है, जी विनेगर में, सैलाड है, ठीक है। ये सब जो हमारे पास क्या, सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं जो है, ठीक। अब कोलाइड्स, जैसे कि टिंडल इफेक्ट के बारे में जब मैम बात कर रही हैं, आपने सवाल पूछा, तो इसको जी हम यहाँ पर रेफर करेंगे। टिंडल इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है, कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स आर टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर इवनली डिस्पर्स थ्रू आउट द अनदर मीडियम। एग्जाम्पल कोलाइड्स इंक्लूड मिल्क, फॉग एंड स्मोक। अब जैसे कभी कभी सर्दियों में हम देखते हैं कि स्मॉग या फॉग जो है बिल्कुल हमें दिखती है, ऐसा लगता है कोई पार्टिकल जो है बिल्कुल हवा में बिल्कुल सेटल हो गए, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है कोलाइड के। और कोलाइड्स कैन स्कैटर लाइट विच मेक्स देम अपियर क्लाउडी और ओपेक, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, मतलब जब लाइट अगर पास करें, सपोज ये हमारे पास जो है एक कोई कोलाइडल सोल्यूशन, हालांकि ये पानी कोलाइडल सोल्यूशन है नहीं, लेकिन सपोज थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि ये कोई कोलाइडल सोल्यूशन, इसमें जैसे हम लाइट पास करेंगे, टॉर्च मारेंगे, तो ये लाइट को स्कैटर कर देगा, ठीक है ना। एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, एंड इट इज यूज टू आइडेंटिफाई वेदर अ मिक्सचर इज अ कोलाइड और सोल्यूशन। यानी कि अगर आपको पता करना है कि कोई भी मिक्सचर जो है कोलाइड या सोल्यूशन है, तो क्या करेंगे, उसमें बस लाइट पास करा दीजिए। अगर लाइट स्कैटर हो जा रही है, दैट इज अ कोलाइड, और लाइट अगर स्कैटर नहीं हुई, दैट इज अ सोल्यूशन, ठीक। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन आर द डिस्पर्स स्पेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स स्पेस, किस स्पेस में वो डिस्पर्स है, और डिस्पर्जन मीडियम, जिस मीडियम में वो डिस्पर्स हो रखे हैं, ठीक है। और कोलाइड की प्रॉपर्टीज क्या हमारे पास, दे आर हेट्रोजीनियस। पार्टिकल साइज क्या है, 1 से 1000 नैनोमीटर। पार्टिकल जो है सेपरेट नहीं होते हैं ऑन स्टैंडिंग, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मायोनीज, मायोनीज सॉस हम लोग खाते हैं डेली। मिल्क क्या, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड, ठीक है। जेलेटिन है हमारे पास, ये क्या है, एग्जाम्पल है कोलाइड्स के, एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो हमारे पास चीजें हैं जो डिस्कस करना है, वो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अभी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए होंगे कि फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस जो किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यानी कि अगर पानी है हमारे पास, पानी को जो है एवेपरेट कर दो तो वो स्टीम फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पानी हमेशा H2O विल ऑलवेज बी H2O, बस बट उसकी स्टेट चेंज हो गई। पानी को आप फ्रीज कर दीजिए, आइस हो गया, आइस फिर भी H2O ही है, लेकिन क्या हुआ है, उसकी स्टेट चेंज हुई, उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज हुआ। और केमिकल चेंज क्या होते हैं, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जो है हम कॉस्टिक सोडा से करा दें, NaOH से करा दें, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, NaCl जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं घरों में, और वाटर H2O मिलेगा, साथ में कुछ हीट रिलीज होगी। या एग्जाम्पल क्या, और क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो है रस्ट आउट हो जाएगी, तो नया ही जो है चीजें बन गया, ठीक है ना। ये किसमें कवर होंगे, हमारे केमिकल चेंज में, ठीक है बच्चों। और फिर हमारे पास एलिमेंट्स की चर्चा है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है ना, शाइनी होते हैं। जैसे हमारे पास ये गोल्ड, गोल्ड के चेन है मान लीजिए, तो ये जो चेन है हमारे पास, ये क्या, बहुत पतली है, मेलिएबल कर दी गई, शीट में बदल के इसको जो है बना दिया गया, ठीक है ना, शाइनिंग होता है, ठीक है, और डक्टाइल होता है बिल्कुल। एलिमेंट जो मेटल्स हैं उनके जो है फॉर्म अलग अलग प्रकार की रहती है, ठीक। और फिर हमारे पास है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक
दैट आर केमिकली बॉन्डेड, मतलब ऐसे जो है प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स बने हुए और केमिकली बॉन्डेड है। अब देखिए मिक्सचर क्या थे, केमिकली बॉन्डेड नहीं थे, लेकिन कंपाउंड्स क्या केमिकली बॉन्डेड, एग्जाम्पल NaCl या शुगर हमारे पास है, तो T12, सर यहाँ H12, पर हमारे पास H22 है। समय जो है अब यहाँ पर हो चुका है, तो हम आपसे इजाज़त ओके लेना चाहेंगे यहाँ पर, और साथ ही आपको आपका भी हम यहाँ पर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। इतने अच्छे तरीके से आपने इस पूरे चैप्टर को समझाया हमारे बच्चों को, तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। जी मैम, तो आप सभी बच्चों को भी मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूँगी, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे। इसके साथ ही आप सभी को इसके बाद जो हमारे पूरे दिन के प्रोग्राम के शेड्यूल हैं वो भी आपको बताना चाहूँगी, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इसके बाद अगला सेशन आप देखेंगे 2:30 से 3 बजे चैनल नंबर 9 पर, जो विषय रहेगा हिंदी और शीर्षक ललदियद। उसके बाद हम बात करेंगे 3 से 3:30 चैनल नंबर 10, क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट रहेगा और टॉपिक रहेगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पार्ट 1। देन उसके बाद चैनल नंबर 10 पर आप देखेंगे 3:30 से 4 बजे का शो जो रहेगा सोशल साइंस का वाटर रिसोर्सेज। इसके बाद आप 2:30 से 4 बजे का चैनल नंबर 6 और 11 पर देखेंगे टॉपिक डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स अमंग एडोलसेंट्स। देन उसके बाद 4 से 5 आप चैनल नंबर 6 से चैनल नंबर 12 पर देखेंगे टॉपिक डिजिटल इनिशिएटिव स्वयं। इसके बाद 5 से 5:30 सहयोग का सत्र आएगा, जहां टॉपिक आज रहने वाला है होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट ग्रोथ। और लास्ट में क्योंकि आज फ्राइडे है तो आप नीपा का प्रोग्राम भी हमारा देखेंगे 5:30 से 6:15 और टॉपिक रहेगा स्कूल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आज पूरे दिन के प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको सभी को बता दिया, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ई विद्या चैनल और साथ ही NCERT ऑफिशियल जो हमारा चैनल है उसके जरिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स के जरिए उसमें जा करके कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार।